फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज 4 अगस्त 2022 है। आज का न्यू ब्लॉग, आज जर्नी करने वाले हैं मलोड टू मैनपुरी। मैनपुरी इस जनवरी में कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन सी सिटी आएंगी, कितने बजे पहुँचेंगे, ये हम सब बताएंगे। ओहो, आराध्या भी उठ गई। गुड मॉर्निंग बोलो। और ये हमारे वंश बाबू जी हैं, ये अभी तक सो रहे हैं। चलो ठीक है गाइस, ब्लॉक में मिलते हैं। चलो आराध्या, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। हेलो गाइस, स्कूल वंश, लंच बॉक्स में क्या लेके जा रहा है? टिफिन है, लंच बॉक्स नहीं है। टिफिन में क्या लेके जा रहा है? क्या लेके जा रहा है वंश? पराठा। पराठा लेके जा रहा है। वंश तैयार हो गया, आराध्या तैयार होएगी। अपनी शिवानी मौसी से कुछ कहना है, बोल ले। ले शिवानी मौसी से बोलो, नहीं कुछ कहना। बोलो हेलो शिवानी मौसी, आप कैसे हो? हेलो शिवानी मौसी, आप कैसे हो? और शिवानी मौसी ने कल कितनी रोटियां खाई? चार। तभी इतनी फूली हुई है, मोटी हो गई है शिवानी है। अगर शिवानी ये ब्लॉग देखे तो आराध्या की बात को बिल्कुल सही समझे, क्योंकि आराध्या कभी झूठ नहीं बोलती। और शालू मौसी से कुछ कहना है? हेलो शालू मौसी, कैसे हो? इधर देख के बोलो। नन्नू क्या कर रहा है? मोबाइल को देखोगे फिर नहीं बोल पाओगे, इसलिए मोबाइल को ना देखो। शिवानी मौसी से और शालू मौसी से कहते, शालू मौसी जी आप घूम जाओ। शालू मौसी जी आप घूम जाओ। हाँ ठीक शालू, अगर देख रही है तो फिर घूम जाना। राखी बांध जाना। हाँ रजीजा जी को। ठीक है। और छोरा के लिए तो राखी भेजी नहीं तूने, वंश के लिए? चल कोई बात, लाडो ने राखी नहीं भेजी। वंश मौसी जी से कहो, मौसी जी मेरे लिए राखी नहीं भेजी। जल्दी जल्दी मौसी जी आओ हमारे घर, फिर ब्लॉग में आना। बताओ, हमारी वंश और आराध्या तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। देखो आराध्या स्कूल जा रही है। और कब आएगी? हाँ। और ये वंश क्या कर रहा है? वंश क्या कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो? स्कूल वैन आ गई तुम्हारी? अभी नहीं आई? अच्छा अभी स्कूल की वैन नहीं आई है। आ तो गई। आ गई? देखे नहीं आई, ऐसे मुड़ कर आ रही है। वाह, आपकी मम्मा क्या कर रहे हैं? ओहो पराठे बना रही है, किस चीज के है? पनीर के पराठे बना रही है। ओके, पनीर के पराठे बना रही है। और आराध्या वंश स्कूल जाएंगे। चलो नाश्ता करते हैं। हाय गाइस, नाश्ता हो रहा है, चाय और प्रांत होता है। जो जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं सभी को नाश्ते के लिए इनवाइट कर रहे हैं। भैया नाश्ता कर लो आके, फिर मत कहना कि पूछा ही नहीं।
अंजलि अपनी मम्मी से कुछ कहना है? ये ब्लॉग तेरी मम्मी भी देखेगी। पराठे स्वाद बनाए, पनीर के पराठे स्वाद लगते। गाइस हम नाश्ता तो कर ही रहे हैं, साथ साथ एक मेन चीज़ मीशो ऐप पे बहुत ही लो प्राइस के आइटम्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा वगैरह मिलती हैं। दूसरी बात, होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री, लो प्राइस हो भला 200 की हो, भला 150 की हो, भला 50 की हो। दूसरे जो सर्विस ऐप हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उन पे सर्विस चार्ज लगता है। 500 से बिलो हो तो डिलीवरी का चार्जेस है, उन पे है, मैंने चेक किया हुआ है। प्रमोशन का कोई हमें कोई कंपनी नहीं कह रही है, लेकिन हम फिजिकली प्रैक्टिकली ने महसूस किया है इस बात को। मेरी वाइफ अक्सर मीशो ऐप से शॉपिंग करते रहते हैं। अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, और वो ही डिटेल में बताएंगे। अच्छी प्राइस है। मुझे मीशो ऐप से बैग, किट, पर्स ये वगैरह अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। उसकी क्वालिटी बैगों की बहुत अच्छी है, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, लो क्वालिटी, लो रेट पे, प्राइस है, लो प्राइस पे क्वालिटी बेस्ट है। क्लॉथ मैंने अभी तक नहीं मंगाए हैं, मैंने ज्वेलरी और बैग ज़्यादा मंगाए हैं, बहुत अच्छे आए मेरे, जितने भी आए हैं अच्छे आए। ये सच है गाइस, अभी तक तो मीशो ऐप सही सर्विस दे रही है, इन फ्यूचर कुछ कह नहीं सकते। इन फ्यूचर का जो मंगवाया वो दिखाओ, बंद करना। ये देखो गाइस, मैंने बैग मंगाया है, ये 279 का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसमें इस तरह है, एक ये जिप है और एक पीछे जिप है, और इसमें इस तरह बेल्ट दी हुई है, जैसे कभी मार्केट जाओ, स्कूल जाओ, या कुल मिला के ये कह सकते हैं क्वालिटी, मीटिंग में जाओ, कहीं पर भी जाओ, मोबाइल, पैसे वगैरह, छोटा और अच्छा, बेस्ट, बहुत अच्छा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि क्वालिटी इसकी सुप्रीम है, प्राइस भी अच्छे है, और सबसे बड़ी बात है जो दूसरी कंपनियों के जो डिलीवरी होती ना, जो उस पर प्राइस लगता है, वो चीज़ चुभती होती है, महसूस हो जाती है। किसी भी आइटम का प्राइस इतना नहीं महसूस होता, लेकिन जो उसकी जो होम डिलीवरी का चार्जेस है ना, वो महसूस हो जाता है। किसी का 40 रुपये, 50 रुपये होता है, कईयों का 80, 150 होता है, 100 रुपये होता है। मीशो ऐप का होम डिलीवरी चार्जेस फ्री है, इसलिए गाइस हम तो यही प्रेफरेंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी आइटम लेनी हो सर्च करो मीशो ऐप से लो। हाँ, अगर नहीं मिल रही है या आपको पसंद नहीं आ रहा आइटम, तो फिर अदर ऐप्स हैं, दूसरी कंपनियां हैं, उनसे आप ले सकते हो। ओके, हमने बात ले लिया है, अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने कपड़े पहन के 12 o'clock को निकलूँगा और यहाँ से बस लूँगा। बस मैं तैयार हो रहा हूँ, खाना खा के और बस निकलते हैं। ओके फ्रेंड, चलने के लिए तैयार हैं।
अब हम यहाँ से निकलेंगे और डबवाली के लिए बस लेंगे, मलोड से डबवाली के लिए, और नेक्स्ट टाइम फिर हम देखते हैं कहाँ के लिए बस लेते हैं। फ़िलहाल तो अभी मलोड से डबवाली के लिए लेते हैं। चलो चलते हैं। हमारा सफ़र शुरू हो गया है, बस स्टॉप पे जा रहे हैं। बस स्टॉप पे जाके फिर डबवाली के लिए बस पकड़ लेते हैं। देखो 5-10 मिनट लगेंगे, रुकना पड़ेगा बस स्टॉप। अभी टाइम हुआ है 4 अगस्त 2022 और 12:06 का टाइम है। शायद बस खड़ी हुई है, देखते हैं। बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, लेकिन अभी तक बस की नहीं। टाइम 12:09 हो गया। लगता वेट करना पड़ेगा, बस का भी वेट करना पड़ेगा। बस आने में अभी टाइम है। गाइस हमारी बस आ गई है और हम चलने। हेलो बस लास्ट सीट बंद कर, सेकंड लास्ट सीट पे बैठो। पता नहीं कब तक मेरा प्राइवेट कर दिया। डबल तक की बस मिली है, डबल से हम चेंज करेंगे बस, डबल से सरसा। चलो डबल पहुंच के फिर देखते हैं। डबल से पहले लंबी गांव आता है, ये लंबी है। लंबी में यहाँ बस रुकी है 2 मिनट के लिए, यहाँ से तकरीबन 15 मिनट लगेंगे फिर डबवाली पहुँचते हैं। हेलो गाइस हम डबवाली पहुँच गए हैं, डबवाली पहुँच गए हैं, बस स्टैंड आ गया है, बस हम उतरने वाले हैं। डबवाली पहुँच गए, हम उतरते हैं और बस हम बस स्टैंड उतर गए हैं। डबवाली बस स्टैंड पे, बस स्टैंड उतर के हम सरसे के लिए बस लेंगे, ठीक। इससे निकलेंगे सिरसा, सिरसा से हिसार के लिए हम जा रहे हैं। हमने हिसार के लिए बस ले ली है, ये मेरा बैग रखा है और ये मेरी सीट है, विंडो बस 1:20 पे निकलेगी और गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से हल्का हल्का सिर में दर्द होने लगा है, देखते हैं टेबलेट पड़ी होगी तो टेबलेट खाएंगे एक। गर्मी बहुत है, प्यास लग रही है, मैं पानी पी लो, प्यास लग रही है बहुत, पानी पीते हैं। ये
पानी पी के थोड़ी सी राहत मिली। देखते हैं, बस का चलने का टाइम तो 1:20 है, देखें कितने बजे चलती है। राइट टाइम 1:21 पे बस निकली है डबवाली से राजस्थान बस स्टैंड से, रैना रोडवेज की बस है। तकरीबन यहाँ से 1:15 लगेंगे सरसा के लिए, लेकिन हम टिकट हिसार की लेंगे, हिसार की टिकट लेंगे, हिसार पहुँच के फिर उसके बाद हम रोहतक की बस लेंगे, वहाँ से चेंज करेंगे, फिर रोहतक से ट्रेन लेंगे। हम पहुंच गए हैं सिरसा बस स्टैंड पहुंचे अभी 2:35 पे। यहां से 15 का स्टॉपेज है, 15 बाद ये बस हिसार जाएगी। यहां से हिसार नियर अबाउट 1.5 लगेगा, जब तक हम देखते हैं कुछ खा पी ले रहे हैं। फ्रेंड हम हिसार पहुंच गए हैं, हिसार बस स्टैंड बस यहां से 1 किलोमीटर है, 4:40 हिसार शहर में है, तकरीबन 3 में हिसार बस स्टैंड पहुँच गए। फ्रेंड हम हिसार बस स्टैंड पहुंच गए हैं, ये हिसार का बस स्टैंड है, देखिए हिसार बस स्टैंड पहुंच गए हैं। हिसार बस स्टैंड यहां से रोहतक के लिए बस लेते हैं, नरवाना जाना पटना रोहतक के लिए बस लेंगे, लेकिन बस ये एसी बस लगी है, हम एसी बस में नहीं जाएंगे, एसी बस की जगह हम रोडवेज की बस लेंगे। हम 5 रेस्ट करके निकलेंगे,
अभी 4:45 हुए हैं, अभी हम थोड़ा रुक के जाएंगे, एसी बस में नहीं, कुछ देर तक हम ऐसा करते हैं, एसआर बस स्टैंड से चाय पीते हैं। तो अजीब सी फीलिंग आ रही थी, हम चाय पी लेंगे। कितने का भैया? एक ब्रेड लगा दो, गर्म लगाना है सर। तो हमने ब्रेड लिया, ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड ले रहे हैं, इवनिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, मीठी चटनी ज़्यादा डालते हैं। तो इसलिए मैंने एक कप चाय ली, 5:30 का टाइम है, घर पर भी मैं 5 चाय पीता था, शायद अंजलि भी 5 चाय पी रही होगी, नहीं पी रही है तो ये ले अंजलि चाय पी लो, पीनी है चाय अंजलि, चाय पीनी है तो पी लो। बस लगी नहीं है, ये लगी है बस, लेकिन ये रोहतक बाईपास से जाएगी, अंदर से नहीं जा रही ना, मुझे रोहतक बस स्टैंड उतरना है। रोहतक बस, हिसार का बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है, चाय ठीक है, स्वाद बनी है, हम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुके हैं, ये महम छोटा सा एक कस्बा है, यहाँ पर हमारी बस खाना खाने के लिए रुकी हुई है, और ये बस स्टॉप है महम, महम महम का बस स्टॉप। यहाँ पर 15-20 का स्टॉपेज है, और तकरीबन 8 हमारी बस रोहतक पहुंचेगी, रोहतक 8 तो 9 ट्रेन मिलेगी, चलो देखते हैं। हेलो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का ब्लॉग यहीं तक, और कल इससे आगे की जर्नी है वो हम आपको दिखाएंगे। ओके बाय, कल मिलते हैं।